दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ अपनी ही लिखी एक कहानी, ड्राइंग रूम फोटो। कहानी शुरू करने से पहले आपको दो लाइनें सुना देता हूँ। ठिकाने हम बदल रहे, हम यूं ही चल रहे। ठिकाने हम बदल रहे, हम यूं ही चल रहे। बना के दूसरों का घर, घर अपना बदल रहे। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। क्या पापा, हम अब यहीं रहेंगे? हाँ बेटा, यहीं रहेंगे, क्योंकि ये हमारा घर है। अपने नए घर में रोहन अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो रहा था। रोहन गाड़ी से उतरा, अपने बेटे रोहित को गोद में उठाया और अपने पिताजी का हाथ पकड़ा और घर के अंदर जाने लगा। तो पिताजी ने रोहन की ओर देखा और बोले, रोहन, अगर तू ना होता तो हमारा घर का सपना कभी पूरा नहीं होता और हम बस ठिकाना बदलते रहते। पिताजी ने रोहन को कहा, जीते रह मेरे बच्चे। घर के अंदर पहुंचते ही रोहन की आंखें नम हो गई जब उसने माँ और पिताजी के साथ अपनी एक तस्वीर ड्राइंग रूम में लगाई। तो उसके बेटे रोहित ने पूछा, किसकी फ़ोटो लगा रहे हो आप? ये तो मजदूर लोगों की फ़ोटो है जो घर बनाते हैं। रोहित की बातों को सुनकर रोहन मुस्कुराया और बोला, बेटा, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, फिर आप लास्ट में बताना कौन कौन है इस फोटो में। एक बार तीन लोग अपना गांव छोड़कर शहर काम की तलाश में आए थे। माता पिता और उनका एक छोटा सा बच्चा था, वो आपके जितना ही बड़ा था उस वक्त। उसके मम्मी पापा दोनों एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में मजदूरी का काम करने लगे। वो दोनों काम करते और बच्चा वहीं खेलता रहता, और जब भी भूख लगती तो माँ आती और खाना देती। उनका कोई अपना घर नहीं था, जहाँ बिल्डिंग बन रही होती वही वो अपना छोटा सा घर बना लेते और रहने लगते, और जब वहाँ काम खत्म हो जाता तो दूसरी जगह चले जाते। बस यूं ही ठिकाना बदलते रहते, मतलब कि घर। वो मजदूर थे, वो सब के रहने के लिए घर बना रहे थे और अपना घर छोड़ रहे थे, क्योंकि बिल्डिंग बन जाती तो कंपनी उन्हें दूसरी जगह ले जाती। जैसे आप सवाल करते हो ना रोहित, वैसे ही उनके बेटे ने सवाल किया कि पापा, हम कब तक घर बदलते रहेंगे? तो उसके पिताजी ने बोला, बेटा, जब तक हम मजदूर रहेंगे। पापा, मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार घर बदलना, और रोने लगा। वहीं पास में एक इंजीनियर साहब खड़े सब सुन रहे थे। वो पास आए और उस बच्चे को बोले कि अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो पढ़ाई करो, इंजीनियर बनो और अपना एक सुंदर सा घर बनाओ जो आपको बार बार बदलना ना पड़े। बच्चा, सच अंकल, अगर मैं पढ़ाई करूँगा तो हमें अपना घर नहीं बदलना पड़ेगा। इंजीनियर साहब, हाँ बेटा, मैं सच बोल रहा हूँ। तभी बच्चा अपने पिताजी से बोला, पापा, मुझे भी पढ़ना है। पापा बोले, साहब, हम गरीब मजदूर कैसे पढ़ाएंगे, काम करेंगे या स्कूल भेजेंगे? इंजीनियर साहब बोलते हैं, तुम सब मेरे ऊपर छोड़ दो, ये बच्चा पढ़ना चाहता है तो मैं इसका एडमिशन पास के स्कूल में करवा दूंगा, और अभी तो यहाँ काम भी 4-5 सालों तक का है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। पता है रोहित, उस बच्चे को पढ़ने की लगन बहुत थी, क्योंकि वो इंजीनियर बनकर अपना एक घर बनाना चाहता था जिससे उसे घर ना बदलना पड़े। वो स्कूल जाता और स्कूल से वापस आते ही पढ़ने बैठ जाता। जब उसका पहला रिजल्ट आया तो वो पूरी क्लास में फर्स्ट आया था, तो उसे एक ट्रॉफी मिली थी। वो ट्रॉफी लेकर वो अपने मम्मी और पापा के पास पहुंचा तो वहाँ इंजीनियर साहब भी थे। वो देखकर बहुत खुश हुए।
इंजीनियर साहब ने अपना कैमरा मंगवाया और एक फ़ोटो खींचा उस बच्चे का उसके मम्मी पापा के साथ और बोले, आप फर्स्ट आए हो तो मैं आपको ये फ़ोटो बनवा कर दूंगा और एक चॉकलेट भी। आपका जब भी अपना घर बन जाए तो इस फ़ोटो को अपने ड्राइंग रूम में लगाना। उस वक्त उस बच्चे को ड्राइंग रूम भी नहीं पता था क्योंकि उनका तो एक छोटा सा रूम होता था। उस बच्चे ने इंजीनियर साहब से पूछा था तो वो बोले थे, बेटा एक बार इंजीनियर बन जाओ तो सब पता लग जाएगा। बस उसी दिन से उस बच्चे ने उस फ़ोटो को संभाल कर रख लिया था और मन ही मन बोला था कि इसे मैं ड्राइंग रूम में लगाऊंगा। रोहित कभी अपने पापा दादा और दादी की तरफ देख रहा था और कभी उस ड्राइंग रूम में लगी फ़ोटो की तरफ। तभी वो कुछ बोलता तो रोहन बोला, बेटा वो बच्चा मैं ही हूँ ट्रॉफी लिए हुए अपने मम्मी और पापा के साथ। तो दोस्तों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच। मुश्किल वक्त सही है, हमें आगे अब है जाना, कोरोना को मिलकर अब हमको जड़ से मिटाना। वक्त थोड़ा ही सही है, हमें अब है फर्ज निभाना, अब सबको ही मिलकर इसको जड़ से मिटाना।